देखिए, चुनाव का प्रक्रिया, चुनाव के बारे में जहाँ तक के जो लोग आ रहे हैं, जो भी समस्या मिल रही है, चुनाव के बारे में जो शिकायत मिल रहा है, इस संबंध में चार राज्य निर्वाचन अधिकारी विस्तार से बताएंगे, उनसे इस संबंध में पूछा जाए। और जहाँ तक की जानकारी है कि हमें जहाँ तक की जानकारी है, चार वहाँ शिकायत सुनने के लिए चर्चा जो है पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी को सहयोग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनसे शिकायत करें और हम लोग देखेंगे उसको। सर, भोजपुर से कुछ लोग आए हुए हैं, चुनाव नहीं हो पाया और चुनाव जो हुआ है उस पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं आपसे भी, उन्होंने आके गुहार लगाई है, आप तो प्रदेश अध्यक्ष है, जिम्मेदारी आपकी होती है। देखिए, चुनाव का प्रक्रिया, चुनाव के बारे में जहाँ तक के जो लोग आ रहे हैं, जो भी समस्या मिल रही है, चुनाव के बारे में जो शिकायत मिल रहा है, इस संबंध में चार राज्य निर्वाचन अधिकारी विस्तार से बताएंगे, उनसे इस संबंध में पूछा जाए। और जहाँ तक की जानकारी है कि हमें जहाँ तक की जानकारी है, चार वहाँ शिकायत सुनने के लिए चर्चा जो है पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी को सहयोग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनसे शिकायत करें और हम लोग देखेंगे उसको। राज्य निर्वाचन अधिकारी से हम बात विमर्श करेंगे, बात करेंगे कि कहाँ ऐसा कोई शिकायत मिलता है तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उन्हीं को देखना है राज्य निर्वाचन अधिकारी जी। राज्य कहना है कि इस संबंध में हमसे जो आप जहाँ तक पूछ रहे हैं, आप जानते हैं कि पार्टी के जो है हमारा कोई भूमिका नहीं होती है। अभी भूमिका हमारे राज्य निर्वाचन अधिकारी की है, जहाँ तक कि हमको जो फीडबैक मिला है, सभी जगह चुनाव बेहतर ढंग से हुआ है, ज़्यादातर प्रखंड से जो चुनाव है, जो आपस में मैंने सबके सहयोग से, सबके अति से, राय विमर्श से, सब लोग ने सर्वसम्मत से चुनाव करवा के भेजा है, जहाँ तक कि जो हमें जानकारी है, बहुत जगह पर ही है जहाँ वोटिंग हुआ है, और उसके संबंध में जो है हमारे राज्य निर्वाचन अधिकारी ही विस्तार से आप लोगों को बताएंगे इस संबंध में। चुनाव को लेकर के नामांकन खत्म हो गया है क्या, कब का माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम बन रहा है क्या? नहीं, इस संबंध में तो बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि राज्य निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में सवाल किया जाए। जल्द ही आपको हम मीडिया के साथियों को अवगत करा देंगे। हम लोग अभी जहाँ से हमारे प्रत्याशी चाहे वहाँ की जो हमारे चुनाव जो निर्वाचन है, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पार्टी के जो उनके देख रहे हैं अभी करता है, वो उन्होंने जो डिमांड किया है, जितने भी लीडर के डिमांड किए हैं, उन सभी लोग लीडर से हम लोग विमर्श कर रहे हैं और हम लोग लगा रहे हैं उनसे। बड़े नेता और मंत्रियों को कैंप करने का भी निर्णय लिया है। बिल्कुल, सभी लोग जाएंगे चुनाव प्रचार में, जो भी लीडर को वहाँ से डिमांड किया जा रहा है, सभी हमारे माननीय शीर्ष लीडर सभी लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव का क्या ज्वाइंट कार्यक्रम बन रहा है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी जो है दोनों आदमी का ज्वाइंट कार्यक्रम बन रहा है, और भी जो हमारे लीडर हैं, सभी लोग के शीर्ष लीडर, सभी महागठबंधन के सभी लीडर का वहाँ बन रहा है कार्यक्रम। ठीक, तो हमारे छात्र के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष सभी जो और जो भी हमारे पार्टी के जो पूर्व के जो छात्र लीडर रह चुके हैं, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं, और हमें आशा है, विश्वास है कि इस बार फिर जनता दल यूनाइटेड के जो साथी हैं, जो मैदान में उतरे हैं, वो चुनाव जीत के। आप लोगों की नज़र है कि नहीं उस पर? नज़र तो है ही, उसमें नीचे में जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के, और वो लोग देख रहे हैं, हम ऊपर में कोई माननीय लोग को नहीं लगाए हुए, लेकिन निश्चित रूप से सभी लोग जो है ना, जो फीडबैक मिल रहा है बहुत अच्छा। मार्केट की घटना हुई थी जदयू और छात्र संघ के बीच विश्वविद्यालय में, हल्का फुल्का कोई ऐसा कुछ आया हो? कुडन्नी उपचुनाव में जो है हमारे जो भी हमारे महागठबंधन के सभी लीडर, सभी लोग महागठबंधन के सभी हमारे नेता, जो घटक दल के सभी जो शीर्ष लीडर हैं, सब लोग वहाँ कुडन्नी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, और हमारे पार्टी के सभी जो माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी हमारे लीडर वहाँ कटनी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, और ऐतिहासिक जीत महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की। कोई चुनौती नहीं है, वहाँ एक तरफा चुनाव है, बिहार की जनता ने
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के जोड़ी को जनता ने स्वीकार किया दिल से और पूरे मजबूती के साथ वहाँ चुनाव में इस बार जो है भाजपा को उखाड़ फेंकना है और देश को मैंने बचाने के लिए सब लोगों ने मन बना लिया।